लड़के में आपने तेजस्वी यादव में क्या देखा जो आपने कहा कि ये लड़का सीएम बनेगा, इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, क्या आप देखा? जब हम एनडीए में थे और विरोधी दल के नेता या सदन के रूप में जब असेंबली में प्रथम भाषण तेजस्वी का हम सुना था, तो हमको लगा कि प्रथम बार जो बोलता है असेंबली में आता है तो गड़बड़ाता है, ये आदमी विभाग बोल रहा है बड़ा अच्छा, आगे कर सकता है अच्छा। इसकी चर्चाएं हो रही है एनडीए के लोगों में चल रही थी कि क्या बोल रहे हैं आप, हम कि जो है उसको बोलना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। और इधर का भी एपिसोड है, हम अगर खाली कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देते और साथ में बैठ जाते पाँचों छः आदमी, तो हम ही प्रपोज कर दे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसका देखा जाए। लेकिन वहाँ तो एक हो गया कि ये राजद ने जो कह दिया वही अंतिम है, जो माने वो माने, नहीं तो जाए, तो इसके सिवाय फिर कौन उपाय था। नहीं तो हम तो बार बार कहते थे कि पाँच छः की मीटिंग होगी, उसमें हम ही प्रपोज करेंगे कि साहब होगा, और सम्मिलित रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बोलेंगे कि महागठबंधन का कैंडिडेट है, राजद का कैंडिडेट है, ये मानने को तैयार हम नहीं है। महागठबंधन का कैंडिडेट होता हम ही प्रपोज कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो वहाँ पर यही बात हुई। नीतीश कुमार में आपने क्या देखा जो आप दोबारा इनके साथ आ गए, किन शर्तों पर आए, क्या आपकी बातचीत हुई है, कितना टिकट आपकी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं ना यहाँ कोई शर्त रख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में हैं, ठीक है कि कोई भी आदमी कोई भी समस्या का सेचुरेशन नहीं कर सकता है, अंत नहीं कर सकता है, समस्याएं अनंत हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने तई जो सोच रखते हैं और कार्य करते हैं, कार्य की शैली है, ये तो हम महागठबंधन में तब भी बोलते थे, उनकी सोच है, वो इमेजिनरी आदमी है, उसके अलावा काम भी कर रहे हैं, तो उस समय भी कहते थे। आज जब यहाँ से हम समझा कि अब कोई ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो लेसर इविल सोच करके कि भाई नीतीश कुमार का हम पहले भी करते थे, और नहीं तो आलोचना भी करते थे, जैसे वो क्या है बाहरी आदमी जो लोग आ रहा था क्वारंटाइन सेंटर, हाँ नहीं क्वारंटाइन सेंटर पर जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उसके बारे में बोले थे, मनरेगा में जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उसके बारे में बोले थे, लेकिन कहीं कहीं कोई बात आती उससे बड़ाई भी करते थे। और आज अभी जो तेजस्वी जी पता नहीं किसके कहने पर ऐसी बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार बोल दिए हैं कि शेड्यूल कास्ट की हत्या हुई तो उसके परिवार को नौकरी मिलेगी, तो उनका कहना है कि स्वर्ण लोगों को क्यों नहीं मिलेगी, ये शायद उनको पता नहीं है कि ये सेंट्रल एक्ट है और एट्रोसिटी प्रायः दलितों और आदिवासियों पर हुआ करती है, ये मान्य है, इसीलिए 1989 में राजीव गांधी ने इसको बनाया और उसी में प्रोविज़न है, उसका आर्टिकल 325 है, उसमें यही है, 325 मर्डर होता है या फिर बलात्कार का मामला आता है उस समय है कि इसके विक्टिम के परिवार को नौकरियां दी जाती है, नियोजन शब्द है, तो नियोजन शब्द की बात अभी जब समीक्षात्मक बैठक हो रही थी जो हमने इन्हें कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और हम उदाहरण नहीं दिया था, लेकिन यही निर्देशक राल कलेक्टर थे भागलपुर के, हम थे क्या कहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर, 11 लोगों को नौकरी दिया था जिसमें नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री, अभी राजगीर की एक बच्ची नट की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, वो बीए पास थी, उसको मुरहारी रेजिडेंशियल विद्यालय में रखे हुए हैं, टीचर के रूप में बहाल है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।